हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपमन को स्वागत करछि वर्तमान रो ए वीडियो रे अपडेट टी फ्रेंड्स आपमन कहि रखि छि आरपीएफ रो एसआई पोस्ट रो वैकेंसी संबंधित सूचना जोतरे कि आपमन को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टी वर्तमान आसी सारि छि जहार डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ए वीडियो रे शेयर करबी कौन पोस्ट रही छि किपरि अप्लाई करिवे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहूछि आपन माने आवेदन करिया कोले आपन माने एप्लीकेशन फीस लागूछि ना नाही से विषय रे संपूर्ण रूपे वीडियो माध्यम रे डिटेल्स रे इन्फॉर्मेशन देबी तेनु करी वीडियो को शेष जाय देखंतु वीडियो टी भल लागिले वीडियो टी को लाइक शेयर करिया को जमर बोलंतने एवं चैनल को प्रथम थरो पर विजिट करतले चैनल को सब्सक्राइब करनंतु एपीडीएफ रो नोटिफिकेशन रो लिंक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपन मन को मिलि जिवो सेठी क्लिक करके आपन माने याकु डाउनलोड कर परिबे तबे डिटेल्स रे मु आपन मन को जहां पे टिकनिक अपडेट रही छि एपीडीएफ रे ता विषय रे मु आपन मन को संपूर्ण रूपे अपडेट देबी वीडियो को सेति पाई ध्यान दे देख रखंतु तबे देखो फ्रेंड्स जो रिक्रूटमेंट रही छि जोतरे कि आरपीएफ रो सब इंस्पेक्टर पोस्ट रो वैकेंसी देखिया मिलु छि एडी अपडेट टी आपन मन कर 15/4/2024 ऑफिशियली अनाउंसमेंट 14/4/2024 रे हिची जोटा कि वर्तमान ऑनलाइन प्रोसेस आरंभ हो छि 15/4/2024 यानी कि आज थारु आपन माने एहा को ऑनलाइन रे भरी परिवे 14/5/2024 हेउची एहार शेष तारीख लास्ट डेट एही फॉर्म को आवेदन करिया पई जो शेष तारीख रहिची 14/5/2024 एही तारीख पूर्वरु आपन माने एहार फॉर्म को अप्लाई करि परिबे तबे देखंतु एठी जो पोस्ट आसी कोन ना सब इंस्पेक्टर पोस्ट आसी जोतरे की लेवल 6 रे आपन मन को दरम मिलची 35400 टका आपन मन को सैलरी रहिबो मेडिकल स्टैंडर्ड एतरे बहुत बढ़िया रहिची 20 वर्ष रु 28 वर्ष मिनिमम वयस मा आवश्यक करची जोटा कि आपन मन को 1/7/2024 भितरे आपन मन को 20 रु 28 वर्ष भितरे होइतिबो तबे ए जो एज रिलैक्सेशन एज रो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मा आपन मन को आगु दे रखिबी आपन मन वीडियो को सेसे देखंतु 452 टी पोस्ट रहिची फ्रेंड जोदरे कि मेल एंड फीमेल समस्तिंग को पई वैकेंसी देखबा को मिलुची उभय पुरुष एवं महिला समस्त एही फॉर्म को आवेदन करि परबे ओडिसा प्रत्येक जिल्ला रो भाई बहन माने फॉर्म को अप्लाई करय पई एलिजिबल अटंती तबे देखंतु ए जो रिक्रूटमेंट रहिछि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहिछि 452 टी पोस्ट सेतिरे आपन मानकर मेल प्रतिमान पे कैटेगरी इज वैकेंसी फीमेल प्रतिमान पे कैटेगरी इज वैकेंसी एवं एक्स सर्विस मान मान पे कैटेगरी इज वैकेंसी रो मेंशन कर दैछि तबे देखिबा मेल कैटेगरी टोटल ऊपर 384 टी पोस्ट रहिछि जदि हम देखिबा यूआर कैटेगरी 157 टी पोस्ट एससी कैटेगरी 57 टी पोस्ट एसटी कैटेगरी 28 टी पोस्ट ओबीसी रे 104 टी पोस्ट एवं ईडब्ल्यूएस पई 38 टी पोस्ट रो वैकेंसी रहिची सेही बोली फीमेल कैटेगरी रे यूआर पई 28 टी पोस्ट एससी कैटेगरी रे 10 टी पोस्ट एसटी पई 5 टी पोस्ट ओबीसी पई 18 टी पोस्ट एवं ईडब्ल्यूएस पई 7 टी पोस्ट रहिची एही बोली टोटल ऊपर फीमेल कैटेगरी रे 68 टी पोस्ट रो वैकेंसी रहिची एवं एठी जो एक सर्विस मैन पोस्ट रहला एथिरे आपन मान को 10% रिजर्वेशन रहूची एक सर्विस मैन पई 10% टोटल वैकेंसी रो रिजर्वेशन 45 टी पोस्ट एठी देखबा को मिलुची ते फ्रेंड्स जदी आपन माने एहा को अप्लाई करछंती बहुत बढ़िया सैलरी रहूची आपन 35400 टका पर्यंत एठी दरमा देखबा मिलुची तेबे वयस सीमा देखंतु नॉर्मली आपन मान कर 1/7/2024 भितरे वयस होइतिया दरकार 20 वर्ष रु 25 वर्ष भितरे एटा यूआर कैटेगरी वयस सीमा रहिची जोथरे कि आपन मान को 20 रु 25 वर्ष भितरे वयस सीमा आवश्यक पडची रिलैक्सेशन जदि होउची आपन मान जदि कोनोसी माइनॉरिटी बिलोंग्स करसंती एससी एसटी फीमेल किबा अदर कैटेगरी होइतिबे ताहाला आपन मान को एटी 3 वर्ष रो गोटे एज रिलैक्सेशन मिलुची जोटा कि गवर्नमेंट रूल अनुसार रहिते कोविड-19 पई आपन मान को एटी 3 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन मिलुची जदि आपन माने एससी एसटी कैंडिडेट होइते 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाई परिबे जदि आपन माने ओबीसी कैंडिडेट होइते 3 वर्ष रिलैक्सेशन पाई परिबे एथि सहित आपन माने जदि एक्स सर्विस मैन होइते त आपन मान पई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मध्ये एठी रहिछि सो फ्रेंड्स ए जो फॉर्म टे रहिबो एही फॉर्म टे अप्लाई करला बेले आपन मान को एप्लीकेशन फीस दबा पड़िबो जदि आपन माने यूआर कैटेगरी बिलोंग्स करथिबे ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग्स करथिबे ताहाले एठी आपन मान 500 टंका एप्लीकेशन फीस रहिबो जदि आपन माने एहार जो रिटन एग्जाम रहिछि ताको अपीयर करूछंती
ताहले आपण मानको 400 टंका रिटर्न आसी जीवो रिफंड कर दे जीवो 100 टंका आपण मानकर एग्जाम चार्जेस लागबो बाकी 400 टंका आपण मानको रिटर्न कर दे जीवो जदि आपण माने सीबीटी परीक्षा को अंत माने दउ छंती ताहले आपण मानको एटी मिल जीवो पैसा 500 टंका एग्जाम फीस लागुचे तबे एटी जदि आमे देखिबा एससी एसटी को क्षेत्र रे मध्ये एटी आपण मानकर एग्जाम फीस लागुचे एससी एसटी एक्सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी बिलोंग्स करथिबा व्यक्ति सेमानो पाई मध्ये एग्जाम फीस रहिजे 250 टंका जोटा कि टोटल अपरा आपण मान जदि एग्जाम दउसंती सीबीटी एग्जाम बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दउसंती ताला आपण मानको एठी रिफंड मिलि जिवो तबे ए जो एप्लीकेशन फीस को आपण माने ऑनलाइन रे फॉर्म भरबा समय रे ऑनलाइन माध्यम रे पैठ करि परिबे इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई माध्यम रे आपण माने एठी पेमेंट को डिपॉजिट करि परिबे तो फ्रेंड्स ए जो फॉर्म पकेबे उड़ीसा रो पिला मानन कहि रखिबी उड़ीसा रो हमर भुवनेश्वर रो जोन रे आपण माने पकेई परिबे आपण माने जेकोस जोन रे पकेई परिबे ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु उड़ीसा रो पिला मानन को बेसिकली जो रिक्रूटमेंट रो जोन रहिछि www.rrbbbs.gov.in एही ऑफिशियल साइट माध्यम रे आपण मानन रो फॉर्म पकेबे अदर साइट रे भी आपण माने पकेई परिबे किछ असुविधा नै एतरे मध्ये आपण माने पके परबे सो फ्रेंड्स ये हम छोटी छोटी अपडेट जो कि आरपीएफ रो सब इंस्पेक्टर लागि रिक्रूटमेंट भितिक सूचना जोतर के बहुत बढ़िया वैकेंसी रही छि ओडिसा रे आपन माने नियुक्ति भी पाई परन जेतु आपन रो भुवनेश्वर गोटे जोन रहू छि ओडिसा रे मध्ये नियुक्ति पाई परबे तो बहुत बड़ वैकेंसी आपन मन पर 452 सब इंस्पेक्टर पोस्ट रो नियुक्ति जोतर की आपन मान पई वेरियस डिटेल्स रो इन्फॉर्मेशन मो प्रोवाइड करली लास्ट वीडियो रे मो आपन मान कर कांस्टेबल लागि जो रिक्रूटमेंट आसतला तार डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कहितली 4208 पोस्ट रो वैकेंसी थिला जोटा के टोटल ऊपर मिसि के 4660 पोस्ट रहूची आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ रो सब इंस्पेक्टर को मिसते की तबे जदि आप माने इंटरेस्टेड अछंती फॉर्म को अप्लाई करे चाहंती ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन चेक करंतु नोटिफिकेशन रो लिंक मिलिको नोटिफिकेशन डिटेल्स रे पढंतु एवं फॉर्म को अप्लाई करंतु नेक्स्ट अपडेट आपन मानन को पई आसीबो ए जो सब इंस्पेक्टर पई आपन माने किपरि फॉर्म को अप्लाई करिवे कांस्टेबल पई किपरि फॉर्म को आवेदन करिवे एवं ए वीडियो रे बासे देखि अपडेट टी आपन मानको जदि इन्फॉर्मेटिव लागिथाय त निश्चित रूपे वीडियो टू को शेयर करंतु लाइक करंतु एवं चैनल को प्रथम तरकर विजिट करतेल चैनल को सब्सक्राइब करनंतु पुनी देखाबा नेक्स्ट अपडेट रे से पर्यंत विदा जंतु जय जगन्नाथ।